पंकज बनो मुक्तावनो नसी दीप बनो जलता रहो गुरुपद पद्म समी गुरुपद पद्म समी। सरस्वती पुत्र आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज जी के अनमोल रत्न आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि के पश्चात बिहार करते हुए सभाई माधवपुर होते हुए अतिशय क्षेत्र महावीर जी पहुंच गए हैं। जैसे ही यह खबर सदलगा के श्रीमान मल्लप्पा जी के घर पहुंचती है तो वह अपने सब परिवार अतिशय क्षेत्र महावीर जी में गुरुचरण वंदना के लिए पहुंचते हैं और वहीं पर एक माह तक चौका लगाते हैं, आहार दान देकर अपना पुण्य अर्जन करते हैं। श्रीमान मल्लप्पा जी और श्रीमती माँ ने अपने बैराग के शब्दों को गुरु और विद्यासागर महाराज जी के समक्ष व्यक्त कर दिया था। बहन शांता एवं स्वर्णा ने भी ब्रह्मचर्य व्रत को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया था। भाई शांतिनाथ एवं अनंतनाथ ये लोग भी एक महीने से यहीं पर गुरुचरणों में थे। जैसे ही महावीर भैया की खबर आती है कि आप लोगों को घर वापस आना है तो शांतिनाथ जी और अनंतनाथ जी आचार्य गुरुवर के समक्ष पहुंचते हैं और देखिए आगे का दृश्य। अन्ना जी की आज्ञा से हम लोग महावीर भैया के पास सदलगा जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। देख लो खेती बाड़ी से तेरा मेरा करके कितने लोग चले गए, खेत एवं घर वहीं के वहीं हैं। मैं भी खेती बाड़ी कर यहाँ आया हूँ, मेरा जीवन आनंदमय बन गया है, तुम भी हमारे जैसे बन सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा गुरुदेव? ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करो। हमें स्वीकार है। स्वीकार है। बस फिर क्या था, गीली मिट्टी में बीजारोपण हो गया, आत्म कल्याण की बात हृदय में उतर गई। उसी दिन 2 मई 1975 को वैशाख कृष्ण सप्तमी शुक्रवार को दोनों भाइयों ने श्रीफल चढ़ाकर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार कर लिया। इसी प्रकार शांतिनाथ और अनंतनाथ जी का आचार्य के संग में हुआ मंगल प्रवेश। क्रम से समय बीता और आचार्य संग सहित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी पहुंचे। वहां सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के पश्चात विशुद्धि बढ़ी और शांतिनाथ जी ब्रह्मचारी अनंतनाथ जी नमो शांतिनाथ जी ब्रह्मचारी अनंतनाथ जी ब्रह्मचारी महावीर और ब्रह्मचारी भूपाल भैया जी आचार्य जी के समक्ष नमोस्तु। आचार्य जी आप हमें मोक्ष मार्ग के राह पर लगाने के लिए भव्य दिगंबरी दीक्षा प्रदान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। 18 दिसंबर सन 1975 को सोनागिर जी में ब्रह्मचर्य शांतिनाथ जी सहित 4 ब्रह्मचारियों जी की क्षुल्लक दीक्षा संपन्न हुई। इनके नाम क्षुल्लक प्रवचन सागर जी, क्षुल्लक नियम सागर जी, क्षुल्लक योग सागर जी,
क्षुल्लक समय सागर जी रखे गए। जय बोलिएगा क्षुल्लक समय सागर जी महाराज की। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। क्षुल्लक समय सागर महाराज जी आचार्य जी की ही प्रतिकृति है। ये बात एक घटनाक्रम से पूर्णतः स्पष्ट होती है। सन 1976 में कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में वर्षा योग से पहले क्षुल्लक समय सागर महाराज जी की समय सागर महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। दिन प्रतिदिन उनकी उनका स्वास्थ्य अस्वस्थता की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी कटनी निवासी जगन मोहन लाल शास्त्री जी गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बोल। क्षुल्लक श्री समय सागर जी की अस्वस्थता बढ़ रही है और यह जीव जंतुओं से भरा हुआ जंगल है। यहाँ तो कोई कुशल वैद्य भी नहीं है। वर्षा योग की स्थापना को अभी एक माह शेष है। क्या मैं क्षुल्लक श्री समय सागर जी को कटनी नगर लेकर जा सकता हूँ? आज्ञा दीजिए गुरुदेव। नहीं नहीं, आप नियम सागर जी को ले जाओ। जी गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री की आज्ञा से पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी क्षुल्लक समय सागर महाराज जी को कटनी ले आए। कटनी नगर में एक दिन क्षुल्लक समय सागर जी महाराज इतने अस्वस्थ हो गए कि वैद्य और डॉक्टरों ने उनका परीक्षण करने आए। आप लोग ये दृश्य देख रहे हैं कि वैद्यराज जी कैसे वैवृत्ति में संलग्न हैं। क्या हुआ वैद्य जी? क्या स्वास्थ्य लाभ है गुरुदेव का? इनकी तो नाड़ी ही नहीं मिल रही है। हाँ पंडित जी, और इनका तो हृदय भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो गुरुदेव को स्वास्थ्य लाभ के लिए कटनी नगर लेकर आया था। यहाँ तो गुरुदेव का स्वास्थ्य और बिगड़ रहा है। स्वास्थ्य की औपचारिकता चल रही है। आप धैर्य रखिए। गुरुदेव, अगर आपका स्वास्थ्य में लाभ नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? समाधि स्वीकार करूंगा। समय चक्र गतिमान रहा। आचार्य श्री ने सन 1978 के नैनागिर जी सिद्ध क्षेत्र के चातुर्मास में कार्तिक कृष्ण अमावस्या दीपावली के दिन 21 अक्टूबर 1978 को क्षुल्लक समय सागर जी महाराज को एलक दीक्षा प्रदान की। जय बोले एलक समय सागर जी महाराज की। सन 1980 में श्री सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में, जिसे छोटा संबे शिखर जी पे कहते हैं, वहाँ आचार्य गुरुवर का प्रवास चल रहा था। प्रातः गुरुदेव के मन में क्या आया, उन्होंने एलक समय सागर महाराज जी को बुलाया और चैत्र कृष्ण षष्ठी शनिवार 8 मार्च 1980 को आचार्य श्री ने एलक श्री जी से कहा। आपको केस लॉन्च करना होगा।
मैंने अभी कुछ दिन पूर्व ही तो केस लॉन्च किया था, जैसी गुरुदेव की आज्ञा। आप लोग देख रहे हैं कि वह गुरुदेव के समक्ष केसों का लॉन्चन प्रारंभ हो जाता है। कुछ समय के पश्चात तभी वहां पर गुरुदेव की पूजन करने के लिए ब्रह्मचारिणी मणिबाई जी उपस्थित होती हैं। क्या द्रव्य लाई हो? जी गुरुदेव। यहाँ रख दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अब आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने एलक श्री समय सागर महाराज जी को मंच पर बिठलाकर दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा के संस्कार प्रदान किए। जय बोलिएगा परम पूज्य एक्सवर्ड समय सागर जी महाराज की। जय बोलिएगा मुनि श्री एक्सवर्ड समय सागर जी महाराज की। जय बोलिएगा मुनि श्री एक्सवर्ड समय सागर जी महाराज की। कौन जानता था कि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी ने जिस दिन अनायास ये दीक्षा संस्कार किया, ये आत्मा को सृजित किया जो भविष्य में गुरुदेव की छाया बनेगी। आचार्य श्री जी के संग में उनके प्रथम मुनि श्री शिष्य ऐसे जैसे उनकी ही प्रतिकृति हैं। धीरे धीरे गुरु जी का संग बढ़ता गया, विशाल समूचरण बन गया। परंतु मुनि श्री समय सागर जी जिन्होंने कभी दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा, अपनी साधना स्वाध्याय संयम में लीन रहे। अध्यात्म तो जैसे उनकी छाया है, उनकी सरलता और सहजता और साधना से प्रभावित हो संघ के कई ब्रह्मचारी जी और साधुओं को आचार्य गुरुवर ने उनके चरण सन्निधि में शिक्षा संयम हेतु भेजा। और फिर एक दिन गुरुजी ने उन्हें ललितपुर की धरा पर प्रथम निर्यापक घोषित किया। जय बोलिएगा प्रथम निर्यापक समय सागर जी महाराज की। काल का घटनाक्रम देखा, किसी ने सोचा भी ना था कि हम सब के हृदय देवता चलते फिरते आचार्य भगवान हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। ऐसी परिकल्पना किसी ने स्वप्न में भी नहीं की थी। परंतु नियति को कैसे टाला जा सकता है? हमारे दूरदर्शी गुरुदेव ने यह पहले ही जान लिया था कि इस विशाल संघ के उत्तरदायित्व का निर्वाह ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण समय सागर महाराज ही कर सकते हैं। और डोंगरगढ़ में उन्होंने समय पर घोषणा कर दी कि संघ का उत्तरदायित्व समय सागर महाराज जी को सौंपा जाता है और उन्हें आचार्य घोषित किया जाता है। अब कुंडलपुर का वह दृश्य जहाँ पर सभी संगस्त साधु आचार्य गुरुवर की आज्ञा पालन करते हुए ज्येष्ठ मुनि समय सागर महाराज जी को अपना आचार्य गुरु स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। जय बोलिएगा आचार्य गुरु और एक स्वर समय सागर जी महाराज की। समय अभाव को देखते हुए बहुत नाटिका को छोटा करके आपके सामने टूटा फूटा प्रस्तुत किया है। और इस तरह से गुरु महाराज को तो हमने विद्याधर से विद्यासागर नामक किताब में पढ़ करके जाना था। आज ये संक्षिप्त रूपक को देख करके जान लिया कि शांतिनाथ से समय सागर और समय सागर से आचार्य समय सागर कैसे बने। और इसमें हमने ये भी जान लिया कि हमें आचार्य पद देना पड़ा, उन्हें लिया नहीं। चंद्रगिरी से लेकर के कुंडलपुर तक चलती रही, फिर भी वो यही कहते रहे हम अभी देखते हैं, अभी हमारा कोई पक्का नहीं है। और फिर यहाँ आकर के जब पूरे संघ ने उनको आचार स्वीकार करते हुए आसन पर बिठाया तो बड़ी मुश्किल से शर्माते हुए बैठे। और आज हम सबके लिए सनात करते हुए
और ये घटनाक्रम में जब बात आपने देखी तो पुनः छतरपुर जिले से ही संबंध जुड़ा। द्रोणागिरि क्षेत्र भी छतरपुर जिले में ही है। तो मुनि दीक्षा छतरपुर जिले में हुई और पहला चातुर्मास खजुराहो में, अर्थात छतरपुर वाले बड़े पुण्यशाली हैं। तो सागर वाले पुण्यशाली नहीं, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि संभाग तो वही है। तो मध्य प्रदेश वाले सौभाग्यशाली क्योंकि आप मध्य प्रदेश में, तो भारत वाले इसलिए सौभाग्यशाली कि मध्य प्रदेश भारत में है, और भारत वाले इसलिए विश्व सिद्ध वाले स्वीकार कर सकते, भारत वाले सौभाग्यशाली इसलिए पूरे विश्व में भारत है, तो इनके कारण सारा विश्व ही सौभाग्यमय हो गया। और एक बार पुनः सबके लिए स्नान करने वाले गुरु मिल गए। अब ऐसे गुरु महाराज ने चतुर्दशी के दिन संकल्प ले लिया भक्तियों का पाठ करते हुए संघ सहित उपवास करके, और उन्होंने संकल्प लेकर के छूट रख ली। इधर बमीठा भी जा सकते हैं तो उधर की ओर हम लोहड़ी की ओर भी जा सकते हैं, तो कहीं इधर की ओर भी जाने की सारी छूट रखी है। अब श्रावक के मन में संदेह है कि खजुराहो है, पर खजुराहो में आकर के जनता ने अखिल भारतीय भारत भर्ती क्या अखिल विश्व स्तरीय समाज ने आकर के यहाँ बता दिया कि आप क्षेत्र नहीं, कहीं भी छुपने की कोशिश करोगे हम ढूंढ लेंगे गुफा में भी। और वे खजुराहो आए थे शांति के लिए, और पुनः हमने उनको ढूंढ लिया क्योंकि साधु संतों के समागम के लिए हमें क्या करना पड़ता था, जंगलों से मुनि महाराज आते थे आहार करके जंगल की ओर चले जाते थे, तो श्रावकों के लिए उनको ढूंढना पड़ता था कहां पर विराजमान है, आज इस पेड़ के नीचे तो कल के इस पेड़ के नीचे होंगे। ऐसा ही उन्होंने सोच करके खजुराहो की ओर आए कि वहां शांति रहेगी शांतिनाथ भगवान के चरणों में, पर हम श्रावक हैं, भक्त हैं, और हम ऐसे भक्त हैं कि प्रभु के गुरु के भक्त ऐसे भक्त हैं कि आप कहीं पर भी जाओगे हम अवश्य ढूंढ लेंगे, और आपको ढूंढेंगे तो आपको ढूंढने से मेरा उसमें स्वार्थ क्या है, आप अच्छे लगते इसलिए नहीं ढूंढेंगे, हम आपको इसलिए ढूंढेंगे कि आप गुरु महाराज जैसे दिखते हैं इसलिए भी नहीं ढूंढेंगे, आपसे हमारा कुछ कल्याण निहित है इसलिए ढूंढेंगे, आप आगम को देंगे। एक विशेषता है इनकी, पूरे 44 वर्ष 45 वर्ष तक इन्होंने कभी भी एक डायरी और एक पेंसिल नहीं रखी और एक शब्द भी नहीं लिखा, और गुरु महाराज का पूरा जो कुछ भी ज्ञान था पी गए। और आज तुम कहीं से भी पूछ लो वहां से उनको उनका उसका पूरा सबको बता देंगे कि कहां पर किस जगह पर कैसा गुरु महाराज ने क्या कहा था। तो ऐसे तीक्ष्ण बुद्धिधारी समय सागर महाराज जी चातुर्मास के लिए समाज जाय दिए कि खजुराहो से बिहार ना हो, हमें तीर्थ दर्शन भी होता रहे। तो आज का दिन उन्होंने चुन लिया है।